ऑस्ट्रेलिया में भारत का पिछला एक हफ्ता सबसे मुश्किल भरा रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भारतीय दल पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगाए। इन सभी आरोपों के बीच एक अच्छी खबर आई है। खबर है कि भारतीय दल के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेलबर्न टेस्ट के बाद रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, नवदीप सैनी और पृथ्वी शॉ एक रेस्टोरेंट में गए थे। वहां पर उनका एक फैन से मिलना हुआ, वीडियो वायरल भी हुआ, जिसके बाद कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने की खबरें आईं। इसे लेकर जमकर विवाद भी हुआ। बीसीसीआई ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के सभी सदस्यों का 3 जनवरी 2021 को आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये भी जान लीजिए क्या है ये बायो बबल तोड़ने का विवाद। नए साल के मौके पर टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी मेलबर्न के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। वहां पर एक फैन ने उनका वीडियो शेयर कर दिया। उस फैन ने वीडियो के साथ साथ ये भी कहा कि उन्होंने पंत को गले लगाया है। यहीं से प्रोटोकॉल तोड़ने वाला विवाद शुरू हो गया। बाद में उस फैन ने इन खबरों से इनकार भी किया और कहा कि उनके और खिलाड़ियों के बीच अच्छी खासी दूरी थी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में इस पर जमकर विवाद हो रहा है। समाचार एजेंसी एनआईए से टीम से जुड़े एक सूत्र ने बताया, लड़के रेस्टोरेंट में कुछ खाना लेने गए थे। उन्होंने कोविड से जुड़े हुए सभी तरह के प्रोटोकॉल्स का पालन भी किया। टेबल पर बैठने से पहले उनका टेम्परेचर चेक हुआ, उनका सैनिटाइजेशन किया गया। इस बात को बिना वजह ही विवाद बनाया जा रहा है। फैन के पंत को गले लगाने वाली बात से तो खुद उस फैन ने ही इनकार कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया लगातार टीम इंडिया पर दबाव बना रहा है। हालांकि सूत्र का कहना है कि इन बातों का टीम पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। सूत्र ने एएनआई से कहा, टीम के लड़के बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं और इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। हम सिर्फ खुद पर विश्वास कर रहे हैं और हमने कोई भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा है। हम सिर्फ तीसरा टेस्ट देख रहे हैं और हमारा सारा ध्यान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर लगा हुआ है। हमारी सोच है कि जब SCG से निकले तो हम सीरीज में 2-1 से आगे हों। खैर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में 7 जनवरी से टेस्ट मैच ही खेला जाना है। ये गावस्कर बॉर्डर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच होगा। इस विवाद के बाद भारतीय मैनेजमेंट ज़्यादा सतर्क भी हो गया है। क्रिकबस के मुताबिक अब खिलाड़ियों को केवल प्रैक्टिस के लिए ही होटल से बाहर जाने की इजाजत है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी विपिन, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।